एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 29 दिया गया, और वाई जेड 41 दिया गया, जेड प्लस एक्स एक्स जेड बराबर दिया गया 34, तो लगे 3z माइनस 4x प्लस 5 वाई का वैल्यू निकालना है। चलिए ठीक है, इस तरह कंडीशन होना क्वेश्चन को ना आपको वैल्यू पुटिंग मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसेस भी करेंगे, प्रोसेस भी बता देंगे, पहले वैल्यू पुटिंग देख लेते फिर प्रोसेस भी बता देते कैसे क्या। वैल्यू पुटिंग मेथड करेंगे ना तो क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करना पड़ेगा। एक दो ही डिजिट यहाँ दिख रहा है, इक्वेशन दिख रहा है हमारा, इक्वेशन में दो ही वेरिएबल तो आसान हो जाता है हमारा, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल पुट करना शुरू कीजिए। एक लेंगे तो एक, एक दो लेंगे तो कुछ नहीं होगा, तीन तीन लेंगे तो भी नहीं होगा, चार चार लेंगे, चार चार आठ जगह 16 8, देख रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। x का वैल्यू हमने क्या कर दिया, चार ले लिए, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाँच ले लिए, चार ले लेंगे क्या आ जाएगा, पाँच, ध्यान देखिए, चार और पाँच लिए तो नौ हो गया, पाँच सौ बीस हो गया, 29 आ गया। अब जैसे तो यहाँ पर अगर रख देंगे ना y का वैल्यू पाँच रख देते, यहाँ पर y का वैल्यू पाँच रख देंगे, पाँच हो गया ना, इधर घटा दीजिए, पाँच घटा देंगे कितना आ जाएगा हमारा, अच्छा 36 आ जाएगा, क्या है हमारा जेड प्लस पाँच यहाँ रख देंगे क्या जाएगा, 5z हो जाएगा, बराबर क्या जाएगा 36 आ गया ना, यहाँ से जेड 6z हो जाएगा ना, 6z बराबर क्या जाएगा 36 आ जाएगा, तो जेड का वैल्यू क्या जाएगा 6 आ जाएगा, जेड का वैल्यू 6 आ गया। यहाँ पर अभी आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, जेड का वैल्यू 6 रख दीजिए, एक्स का वैल्यू 4 रख दीजिए, 6 4 कितना जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, और 6 4 24 हो जाएगा ना, 24 और 10 कितना होगा 34 आ जाएगा, सही हो जा रहा है, वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है सारा कुछ, सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ रख दीजिए। जेड बराबर कितना है हमारा, जेड बराबर 6 लिए ना, 6 18 हो जाएगा, ये माइनस का 4 4 है ना, एक्स वैल्यू कितना है 16, ये हो जाएगा प्लस 5 y मतलब 25, ये हो गया, दो आ जाएगा 25 में 2 जोड़ देंगे क्या 27 हो जाएगा, हमारा आइटम्स हो जाएगा।